नमस्कार साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। अगर आप भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों या फिर बिहार के हों, छत्तीसगढ़ के हों, किसी भी राज्य से आप क्यों न हो, ठीक है, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। और दोस्तों, साथ में ओवर टाइम का लाभ भी अब सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाएगा। 5 नए नए लाभ सभी भाइयों को दिए जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारियों को, ठीक है। अब किन, आपके मन में सवाल चल रहा होगा, किन राज्यों में यह आदेश जारी किया गया है, किन राज्य के कर्मचारियों को ये शानदार लाभ दिए जाएंगे, आपको वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल का आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर आएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों व कार्यालयों में कार्य कर रहे ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के भुगतान और ड्यूटी कराने में अब ठेकेदार और एजेंसियों की मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। चुनावी साल में सरकार ने ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को श्रम कानूनों के प्रावधानों का लाभ देने का फैसला किया है। श्रम विभाग ने इस मामले में सभी विभागों को आदेश भी जारी कर दिया है और इसका पालन करने को सख्ती से कहा गया है। इसका लाभ सरकारी विभागों, निगम और मंडलों में कार्य कर रहे लगभग 3 लाख से अधिक ठेका एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाएगा। अब ठेकेदार न तो उनसे मनमर्जी से निर्धारित ड्यूटी करवाएगा, ठीक है, ओवर से ज़्यादा काम ले पाएंगे और न ही उन्हें मनमाना वेतन दे पाएंगे। वेतन भी सरकार के द्वारा अब तय होने जा रहा है। अकुशल कर्मचारियों को न्यूनतम 9650 रुपये मासिक मानदेय और उच्च कुशल को न्यूनतम 13185 रुपये मासिक मानदेय देना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न विभागों, निगम मंडलों में हाउसकीपिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चौकीदार, ड्राइवर, निर्माण सुरक्षाकर्मी आदि के रूप में ठेका एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है। सरकार के पास आउटसोर्स कर्मचारियों का हर तरह से शोषण किए जाने की शिकायतें सामने आ रही है। उनसे ड्यूटी के निर्धारित घंटों से, जैसे कि ड्यूटी 8 घंटे की होती है, तो ठेका जो ठेका कर्मी होते हैं, आउटसोर्स कर्मी होते हैं, उनसे 12-12 घंटे कार्य कर लिया करवा लिया जाता है, ठीक है, 11 घंटे लिए लिया जाता है, 10 घंटे करवा लिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उन्हें मनमर्जी से मानदेय नहीं दिया जाएगा और कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है ऐसा नहीं होगा, उनको नहीं निकाला जाएगा, न तो उनका पीएफ काटा जाता है और न ही उन्हें ओवरटाइम व साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है। लेकिन अब उनका पीएफ भी काटा जाएगा और साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाएगा। अगर आपका टाइम 8 घंटे है, 8 घंटे से ज़्यादा अगर आपने 12 घंटे कार्य किया है तो आपको 4 घंटे का एक्स्ट्रा ओवरटाइम भी अब दिया जाएगा। शिकायतों के परीक्षण में यह बात सामने आई है कि विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम कानूनों के प्रावधानों का लाभ देने का फैसला करते हुए सभी विभागों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जिन ठेकेदारों या एजेंसियों के जरिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, उस विभाग द्वारा उन ठेकेदारों का पंजीकरण, ठीक है, लाइसेंस, ठेका श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्राप्त नहीं किया जाता है। आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या क्या फायदा होने जा रहा है? सबसे पहला फायदा, यहाँ पर नियत समय पर, टाइम से, बिल्कुल फिक्स टाइम पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी कराने पर ओवर टाइम का लाभ दिया जाएगा। तीसरा फायदा, बोनस राशि, पीएफ, ईएसआई के अंशदान का भुगतान किया जाएगा। अगला फायदा, साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, इस दिन ड्यूटी कराने पर 2 गुने मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अगर आपसे संडे को ड्यूटी कराता है कोई, या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप ड्यूटी पर जाते हैं, तो आपको उस दिन का डबल मानदेय दिया जाएगा। तो दोस्तों, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह खबर हमें मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त हो रही है। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए क्या आपको इस विषय में जानकारी है, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं हैं, अन्य राज्यों से हैं, तो तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राज्यों का नाम टाइप कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।